अष्ट प्रात्यायी से जुड़ चुका है। तीर्थंकरों के ही अष्ट प्रात्यायी हुआ करते हैं, केवलियों के अष्ट प्रात्यायी नहीं होते हैं। चलो हम इस काव्य को भी शुद्ध करते हैं। आप अपने हाथ में लीजिए चिनवाणी, अपने बच्चों को बिठाइए, यही तुम्हारे घर की शोभा है, यही तुम्हारे घर की शान है, इसी से ही तुम्हारी पहचान है। चलो 28 नंबर का उच्चैरशोक तरु संसृत मयूख मा भाति रूप ममल भवतो नितान्तम् स्पष्टोन सत्किरण मस्त तमो वितारम् बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। देखिए हमारी गलती कहाँ पर होती है, उच्चई पर शोक हो रहा है, उच्चई पर शोक, ऐसे जब उच्चई शोक गलत हो जाएगा, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उच्चई इस पर रसोक अर्थात अशोक। तरु संश्रित मुन मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। इसके बाद आधा सब है, मैंने पहले आपसे कहा, दूसरे काव्य में कहा कि आपको इस्तो त्रयीर नहीं बोलना, इस्तो सिले नहीं बोलना, ऐसे यहाँ पर आपको स्पष्टोल नहीं बोलना है, ई नहीं है आपको नहीं बोलना, बार बार इसका अभ्यास कीजिए, आपका यह प्रोनंसिएशन शुद्ध हो जाएगा और जब शुद्ध हो जाएगा आपका मन भी आनंदित हो जाएगा। एक बार जब भक्ता मन शुद्ध हो गया तो कभी किसी का अशुद्ध पसंद नहीं आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, स्पष्टोल नहीं है बस इतना है, क्या है स्पष्टोल 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 सत किरण मस्त तमो वितानम्। बार बार अभ्यास करो, एक बार और स्पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम्, बार बार दोहराइए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके बाद बिंबम रवि रिव पयोधर पार्श्ववर्ती पार्श्ववर्ती, इस तरीके से आप बार बार अभ्यास करें। एक बार में तो कोई चीज शुद्ध नहीं हो सकती है, जो बच्चे हैं उनका तो हो जाएगा, लेकिन आप इतने सालों से पढ़ रहे हो टाइम तो नहीं होगा। अर्थ देखिए उच्चई जो शोक ऊंचा है, क्या अशोक तब वृक्ष संस्कृत मुन मयूख उन मयूख ऊपर की ओर उन मयूख उन्नत प्रभावशाली अशोक वृक्ष माभाति रूप ममलम होतो नितांतम। आभाति रूप प्रभु सुशोभित हो रहा है, रूप कैसा है अमलम है मन से रहित है, भवतो नितांतम आपका नितांतम अत्यंत रूप चारों तरफ बिखर रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, स्पष्टोल सत् किरण मस्त तमो वितानम्। स्पष्टोल लसत स्पष्ट रूप से, कम ज्यादा नहीं, किरणों की होने से स्पष्ट रूप से किरण चारों तरफ फैल रही है, और इससे क्या हो रहा है तमो वितानम् अंधकार नष्ट हो रहा है। बिंबम प्रवेर पयोधर पार्श्ववर्ती, ऐसा प्रतिबिंब किसके समान, सूर्य से भी ज्यादा प्रभावशाली प्रतिबिंब पयोधर पार्श्ववर्ती, जैसे भरे हुए बादल के अंदर से सूर्य किरणों को नीचे छोड़ता है
इसी प्रकार से हे नाथ, जब आप साधना की मुद्रा में बैठते हैं तो यह रूप सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हो जाता है। ऊपर अशोक वृक्ष है, आसमान के सूरज का प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर आता है। हे प्रभु, हे त्रिलोकनाथ, आपकी साधना रूपी सूर्य का प्रकाश उस अशोक वृक्ष को चीरता हुआ आकाश की ओर प्रकाश से प्रकाश फैला रहा है, क्योंकि यह अशोक वृक्ष को बादल की उपाधि गई है। इस बादल को चीरता हुआ वह प्रकाश आकाश की ओर प्रकाश से प्रकाश फैला रहा है। यहाँ पर अशोक जहाँ न रहे किसी प्रकार का शोक, उसे कहते हैं अशोक। ये उनके लिए काव्य है जो अपने जीवन में मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं। एक काम जरूर करें, सबसे पहले एक फलदार वृक्ष लगाएं। आम्र वृक्ष लगाएं, अशोक वृक्ष भी लगा सकते हैं। फलदार वृक्ष हो, उस फलदार वृक्ष को किसी तीर्थ पर लगाएं, किसी मंदिर के पास लगाएं, और जब भगवान का अभिषेक करें वह अभिषेक का जल उस वृक्ष पर छोड़ते जाए। और ये भी प्रार्थना करें, हे एकेंद्रीय जीव, आपके संपर्क में जब तीर्थंकर प्रभु ने ध्यान किया, साधना की, आपकी शोभा अपने आप बढ़ती चली गई। इसी प्रकार से हे प्रभु, मेरे जीवन में भी इस व्यापार से मेरे परिवार की शोभा बढ़ सके। मैं अपने जीवन में जैन धर्म का पालन करके आत्म कल्याण कर सकूं, अपने जीवन को सुखी बना सको, इस भाव के साथ रोज अभिषेक करके वह जल उस वृक्ष पर छोड़ते जाए। इसके बाद यदि आपकी सर्विस नहीं लग रही है, बार बार परेशान है, एक सूखा कोला लीजिए, सूखे कोले को ऊपर से कट करेंगे और उसमें आटे को भून करके शक्कर मिला करके उसको पूरा भर दीजिए। जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर चीटियाँ ज़्यादा रहती हों, खट्टा करके पूरब दिशा में मुँह करके प्रार्थना करके इस कार्य का पाठ करके, हे प्रभु, सीता अशोक वाटिका के नीचे रही, उसे किसी प्रकार का शोक नहीं रहा, मैं भी इस संसार के बीच में बैठा हूँ, मुझे भी किसी प्रकार का शोक न रहे, मुझे भी सफलता की प्राप्ति हो, इस भाव के साथ आप उस गोले को खड्डा करके गाड़ दीजिए। इसके बाद शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को कभी नाखून नहीं काटना। इसके बाद बहुत अच्छा उपाय, घर की सफलता के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, शनिवार को ही गेहूं पिसाएं। उस गेहूं में कम से कम 100 ग्राम काले चने जरूर मिलाएं। इससे घर में समृद्धि रहती है, सुख आनंद रहता है। और प्रातःकाल इस कार्य को करते समय आप इस कार्य को पढ़ते जाएं, उच्चैः रसोक करुषं श्रितमुन्मयूख मा भाति रूपमबलं भवतो नितान्तम् स्पष्टो न सत्किरणमस्ततमो वितानम् बिंबं रवे निवपयोधर पार्श्ववर्ती। इस प्रकार से आप कार्य करते रहें। बातें बहुत करना है लेकिन मैं चाहता हूँ कम समय में आप हमारी बात को आप साथ कर सकें, इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अरहं नमो महाकवाणम्। साथ दिया है, इसे आज पूरे दिन भर पूरे परिवार के साथ गुनगुनाते रहें। यह काव्य आज के दिन आपको याद होगा और आपको भी जिंदगी का सारा सुख मिट जाएगा और आप अपने जीवन में शौक के साथ, आत्मीयता के साथ जीवन यापन कर सकें। यही भावना के साथ यह काव्य आपके सामने रखा है, प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। भक्तांबर से संबंधित आपके पास अगर कोई भी प्रश्न हो
तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर 6205053838 पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव स्वयं वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या फिर राइटिंग में आपको देंगे। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर 6205053838 पर SMS या WhatsApp करें। जय जिनेंद्र।